अब आज ये बताओगे आप कि तुमको कौन सी सब्जी पसंद नहीं है। कौन सी सब्जी तुम्हें सबसे ज्यादा ना पसंद है अपने दोस्तों से पूछो और तालिका में भरो। अब सबसे ज्यादा गंदी आपको कौन सी सब्जी लगती है? करेला। ओके, सबसे पहले हम भर देते हैं यहाँ पे करेला। और बताओ जो सब्जी आपको गंदी लगती है? छीमी। छीमी तो सेम लिख लेते हैं, सेम। और मटर। 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 और पालक। हाँ, नहीं अच्छी लगती है पालक। हाँ। और लौकी नहीं। और चचिंडा मुझे अच्छा लगता है। और कटहल। कटहल ओके, मुझे अच्छा लगता है। इसका अचार भी अच्छा होता है। और चलो इतना काफी है। अब देखो, अब वो बोल रहे हैं कि करेला कितने बच्चों को ना पसंद है। अब जो जिस बच्चे को ना पसंद है बात खड़े करेगा जिसको करेला अच्छा नहीं लगता। चलो कितने हो गए? चार। सेम छीमी किसको बेकार लगती है? थ्री। मटर। मटर टू। सर्दू से अच्छा लगता। चचिंडा। चचिंडा जिसको बेकार लगता है? बेकार। वन टू। कटहल जिसको बेकार लगता है? कटहल। ठीक है, अब देखो इस तालिका का इस्तेमाल करके नीचे दिए गए चार्ट में आपको क्या बनाने हैं? चेहरे। सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली सब्जी कौन सी है? सबसे ज्यादा करेला। करेला, चार बच्चों ने उसको नापसंद किया है। कौन सी सब्जी सबसे कम बच्चे नापसंद करते हैं? दो। हाँ, दो दो वाले कितने आ गए हमारे पास? तीन आ गई ना। तीन। तो यहाँ पर बन देंगे मटर, चिंडा और कटहल। ठीक है, अगर इसमें माना कोई एक वाला आ जाता तो हम उसको ही भरते। ठीक है, तो सबसे कम वाला भरना था यहाँ पे। अब देखो जी, अब यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में भी भरना है हमने वो। अब हमारे पास कितनी सब्जियाँ लिखी हैं हमने ऊपर? पांच लिखी हैं, तो हम यहाँ से चार ही भरेंगे। कटहल और करेला। करेला छीम। सेम। और चचिंडा भर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कटहल पर कितने चेहरे लगाने हैं? कटहल में चार। कटहल में चार। कटहल में चार। चार ओके, एक दो तीन और चार। करेले पे? करेले पे चार। कटहल पे चार नहीं। कटहल पे चार नहीं था, कटहल पे तो दो ही था। चलो यहाँ पर हम करेला लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? कटहल। ठीक है, कटहल पे दो। कटहल पे दो। सेम पे? सेम पे तीन। तीन। चचिंडे पे दो। ठीक है, वैसे हम और भी लिख सकते थे यहाँ, एक और है ना भी हमारे पास सब्जी, मटर। मटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। मटर इसको आगे बढ़ा के, मटर पे कितने हैं? दो। ठीक है, हाँ जी।